द लास्ट रूल इज दैट ऑफ स्लैक टाइम के जिस जॉब का भी स्लैक टाइम सबसे कम है उसको उसके ऊपर ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म किया जाए बेसिकली स्लैक टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यू डेट एंड द प्रोसेसिंग टाइम के प्रोसेसिंग टाइम कब कंप्लीट हो रहा है और ड्यू डेट उसकी कब है तो उसके अंदर जो डिफरेंस है दैट गिव्स अस द स्लैक टाइम वो एक स्लैक हमारे पास अवेलेबल है कि इतना भी अगर थोड़ा डिले हो जाए तो फिर भी ये टाइम uh, पर कंप्लीट हो जाएगा जॉब uh, इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो रिमेनिंग टाइम टिल ड्यू डेट जैसे मैंने कहा माइनस रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम दैट गिव्स अस द स्लैक टाइम इसके अंदर सेम डेटा हमने यूज़ करना है जो पहले हम कर चुके हैं और वही पांच जॉब्स हैं और उनका जो प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट जो है वो गिवन है फॉर uh, एग्जांपल अगर हम इधर देखें जॉब ए का तो ड्यू डेट आठ दिन है जबकि प्रोसेसिंग टाइम छः दिन है तो इसके अंदर स्लैक क्या हुआ टू डेज़ का हुआ ठीक है ना कि ये इतने दिन हमारे पास पड़े हुए हैं बी का फोर डेज हुआ सी के दस दिन होंगे एटीन माइनस एट डी के ट्वेल्व डेज होंगे एंड ई e के फोटीन डेज होंगे सो so, बेसिकली यही इसका सीक्वेंस बनेगा क्योंकि सबसे कम स्लैक टाइम एक है तो इसके अंदर जो सीक्वेंस बन रहा है स्लैक टाइम के बेसिस के ऊपर ये उसकी कैलकुलेशन है वो बन रहा है ए बी सी डी ई इट इज़ सेम जो कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी इट इज़ एग्जैक्टली सेम थिंग क्योंकि ए जो पहले आया है उसी का स्लैक टाइम सबसे कम है फिर बी है एंड सो ऑन तो हाउ इस सिचुएशन uh, के अंदर स्लैक टाइम का रूल और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल जो है वो सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा इसके अंदर अगर हम इसको देख लें तो उस वही ट्वेंटी एट डेज आपके प्रोसेसिंग टाइम के हैं लेकिन फ्लो uh, टाइम का जो टोटल आ रहा है वो सेवेंटी सेवन डेज का आ रहा है लेटनेस uh, के अंदर ए इज नॉट लेट छः दिन फ्लो टाइम यानी सिस्टम में छः दिन रहना है उसने लेकिन आठ दिन ड्यू डेट के अंदर है और सी इज ऑल्सो नॉट लेट सिक्सटीन डेज सिस्टम में रहना है और अठारह दिन ड्यू uh, डेट में पड़े बट अदर्स फॉर एग्ज़ाम्पल बी वो दो दिन से लेट है डी जो है वो चार दिन उसका लेट हो जाएगा क्योंकि नाइनटीन उसका सिस्टम के अंदर उसने रहना है और फिफ्टीन डेज उसका पड़ा है ड्यू डेट में और इसी तरह ई e जो है वो फाइव डेज से लेट होगा तो टोटल लेटनेस एलेवन डेज़ की इसमें आ रही है तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये वही हैं जो कि अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर uh, थी और इधर ये 15.4 डेज आ रही है uh, इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्म शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ने किया है नंबर टू पर ई का बारी आती है यूटिलाइजेशन uh, के अंदर अगेन शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ने सबसे बेहतर किया है इट वॉज समथिंग 43 परसेंट के करीब और ई डी डी वॉज फोर्टी के करीब ये 36 परसेंट के करीब है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स 2.75 अगेन द अदर टू परफॉर्म मच बेटर देन दिस वन दिस वन एंड फर्स्ट कम फर सर्व बेस वाला एंड द लास्ट वन इज 2.2 पॉइंट टू आ रहा इधर जबकि ई डी डी में इट वॉज वन पॉइंट टू एंड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में इट वाज़ 1.8 डेज का जॉब uh, लेटनेस आ रहा था तो अगर हम इस सब को देखें तो इन सब में शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आ, पहले तीन मयर्स में जबकि ईडीडी ने आखिरी मयर में बेहतर परफॉर्म किया आ, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम बेहतर परफॉर्म करता है लेकिन उसका एक सीरियस इशू ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पांच जॉब्स पड़े हुए हैं इसमें से शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के बेस के ऊपर बी को पहले परफॉर्म कर लिया फिर ए को किया और इन द मीन टाइम कुछ और जॉब्स आ गए वर्क सेंटर में तो होगा क्या कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है ई उसको इंतज़ार करना पड़ जाएगा क्योंकि अब नए आ गए उनके भी प्रोसेसिंग टाइम कम है तो वो पहले परफॉर्म होंगे क्योंकि रूल यही कह रहा है कि जो भी शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट वाला रूल है तो वो पहले परफॉर्म होगा इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले पाँच थे सिर्फ उसी में से देखेंगे नहीं नए जॉब भी आते जाएंगे तो शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम हर न्यू जॉब के आने से ये सारी कैलकुलेशन फिर से होगी और शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम को हम देंगे जॉब को पहले ऑपरेशन का चांस क्योंकि वो ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो उस बेसिस के होता ये है कि आमतौर पर जो एल पी टी है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वो जॉब जो है वो बहुत डिले हो जाते हैं तो इसका ये सिर्फ एक डिसएडवांटेज है जो कि यूजली परफॉर्म पुअरली करता है इस केस में